तो चलिए गाइज, आपका रिस्की ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे जोधपुर का स्थापित किला तथा बहुत से रहस्यमय छुपे हैं इस किले के अंदर, तथा यह किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो यहाँ पर जितने भी राजा की डेथ होती थी उनके साथ रानियों को जौहर करना पड़ता था। तो यह एक श्रापीय किला है। ये श्रापीय किला किस लिए है? हुआ यूं कि यहाँ पहले राजा का किला समतल जगह पे था मंडोर में। राजा ने खुद को वहाँ सेफ नहीं समझा। राजा को एक पहाड़ी दिखी, तब वहाँ पहाड़ी पे बहुत सारे पक्षी व एक ऋषि मुनि रहा करता था। ऋषि मुनि का नाम था चिड़ियानाथ जी, तथा उसे पहाड़ से जबरन हटाया गया था। तथा तब उसने ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि यहाँ पे पानी की किल्लत रहेगी तथा तुम्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में राजा ने ऋषि मुनि को प्रसन्न करने के लिए एक मंदिर बना के और ऋषि मुनि के रहने के लिए घर बना के दिया। उसके बाद में ऋषि मुनि खुश होने के बाद में इसका तोड़ बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें एक किसी को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होना पड़ेगा। तथा राजा को बहुत ढूंढने के बाद भी अपने स्वयं इच्छा से दफन होने के लिए कोई भी नहीं मिला। फिर राजा राम मेघवाल अपने स्वयं इच्छा से अपने प्राणों की आहुति देने आगे आया। राजा राम मेघवाल को अपने शुभ दिन तथा शुभ स्थान देख के जिंदा दफनाया गया था। इसके बाद में मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी थी। फिर इस किले का निर्माण स्टार्ट हुआ। इस किले का निर्माण राव जोधा ने 1459 में इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, और महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से लेकर 1678 में इसका निर्माण पूर्ण करवाया। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर लंबी है और इस किले से पाकिस्तान भी साफ दिखता था। आइए और बात जानते हैं। इस किले की 68 फीट चौड़ी तथा 117 फीट लंबी दीवार है तथा 7 द्वार है, तथा पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाली मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल, तथा यहाँ पर ये सब देखने में इतना सुंदर लगता है। तथा महीन महीन इतनी कारीगर की हुई है कि आपको देखने से इतनी सुंदर लगेगी। ये तलवार है, ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो उस टाइम का, ये मुझे लग रहा है हॉल होगा, बैठक हॉल। कितना सुंदर बना हुआ, चारों तरफ से खुला हुआ है, और ये दीवारें अभी बनाई, ये देखो ये ऊपर जाने। क्योंकि किले का रीज़न ये है कि इसमें हाथी वगैरह कोई भी इस गेट को तोड़ नहीं सकते, पहले युद्ध होते थे तो ये लास्ट गेट था। ये देखो आप, ये छेद देख रहे हो, ये सब युद्धों के टाइम का छेद है, ये हमला किया हुआ है उनके छेद है।